किसी को नहीं बताते थे। तो फिर कैसे पता चला? उनके हॉस्पिटल का खर्चा उठाया, शिंगक्वांग बैंक के साथ पंगा लिया, जबकि तुम्हें एक्टिंग करनी भी नहीं आती। बुंगियोपांग और रिंगियोपांग में एक ही फर्क बताया, कोई भी बता सकता है कि तुम उनके बेटे हो। देखो, मुझे दूसरों के पर्सनल मैटर्स में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शायद इस बार मुझे बोलना ही चाहिए। तुम मिसो को बता क्यों नहीं देते कि तुम ही उनके बिछड़े हुए बेटे हो? देखो, उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। उनकी हालत ऐसी है कि एक एक दिन मायने रखता है। मुझे अच्छे से याद है, तुमने मुझसे कहा था कि पछतावे से बड़ा और कोई दर्द नहीं होता। शायद तुमने सच ही कहा था, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वो दर्द सहना पड़े जो मैं आज भी सह रही हूं। ये तो बहुत महंगा लगता है, मुझे गरीब पर कैसे जचेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। कोई बात नहीं। एक घंटा लगाकर इसने आपके लिए बैग पसंद किया है। क्या मेरे लिए इतना वक्त जाया किया? पर बेटा, मुझे नहीं लगता मैं बाहर जा पाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों को परेशान कर दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बाहर लेकर जाएंगे और इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सही कह रही हूँ? हाँ। पर आपके पास तो वक्त ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, आप तो बस अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम चले मिस्टर किसानो।